वेलकम क्लास सिक्स, वेलकम बैक क्लास सिक्स। वी स्टार्ट विथ सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज फर्स्ट हाफ, ठीक है, लेक्चर 16। इन प्रीवियस लेक्चर यू स्टडी अबाउट एक्सरसाइज 1E, ठीक है ना। इसके पहले आपने 1E देखा था, आज हम 1F देखेंगे। देखिए इसमें 1F में आपको डिवाइड करना है एस्टिमेटेड क्वोटिएंट, ठीक है ना, क्वोटिएंट क्वोशिएंट निकालना है, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली जो एस्टिमेटेड इन टेंथ या इन नियरेस्ट टेंथ नियरेस्ट हंड्रेड, ठीक है, तो इस तरह से नियरेस्ट टेंथ या नियरेस्ट हंड्रेड एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली नंबर को करके तब हम उसको क्वोशिएंट उसका निकालेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन में 87 डिवाइड 28, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो सकता है 87 का क्या हो जाएगा 90, ठीक है ना, अगर नियरेस्ट में आप इसमें देखेंगे, और 28 का नियरेस्ट क्या हो जाएगा 30, तो डिवाइड करने पे 3 आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में आपका 193 डिवाइड 24, ठीक है, तो 193 का नियरेस्ट क्या होगा आपको बताया गया है, नियरेस्ट 100 में इसको लेंगे, ठीक है, 193 का नियरेस्ट 100 है 200, देखिए आप ये हो जाएगा 200, और 24 का नियरेस्ट 10 में क्या होगा, 4 आपका क्या है लेस देन 5 है, देन उसको हम 20 कर, इसको हमने 20 कर दिया, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 10 आंसर, ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर लीजिए आपका 10 आ गया, तो नियरेस्ट करके नंबर को और फिर हम क्या करेंगे डिवाइड करते हैं। इसी तरह आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पे है, इस एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इसमें देखते हैं, एक्सरसाइज 1G, एक्सरसाइज 1G, 1G में स्टूडेंट्स इसमें हमको रोमन नंबर पढ़ना है। यू ऑलरेडी नो दैट इन प्रीवियस क्लासेस यू स्टडीड अबाउट रोमन नंबर क्या होता है, देखिए यहां पे रोमन नंबर मैं यहां टेबल बना दे रहा हूं, नंबर्स रोमन नंबर्स, ठीक है, और 1 5 1 का हो गया, 5 का हो गया, 10 का हो गया, ठीक है, 50 100 50 100 and 500 and then 1000, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहां से 1 5 10 50 100 500 1000, ये नंबर हमने लिए हैं और इनके रोमन नंबर आपको मैं इस साइड लिख देता हूं, देखिए इनके रोल नंबर सर, 1 को कैसे लिखेंगे ऐसे लिखते हैं, 5 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 10 को हम ऐसे लिखते हैं, ओके, एल उसके बाद 15 एल सी ये हो गया इसका डी और इसका हो गया एम, ठीक है, तो इस तरह से 1 का ऐसे 5 10 50 100 500 and 1000, तो आप ऐसे लर्न भी कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, जैसे कि 1 का 5 का 10 का ये तो आप आसानी से लर्न कर सकते हैं, इसके बाद 50 100 और 500 की कंफ्यूजन होता है, तो आप 50 से एक सीक्वेंस में लर्न कर लीजिए एल सी डी, आप ऐसे लर्न कर सकते हैं एल सी डी एल सी डी एम एल सी डी एम,
ठीक है ना। एलसीडीएम आप एक सीक्वेंस में लर्न कर लेंगे, एलसीडीएम ठीक है, 50, 100, 500, 1000 तो आपको भूलेगा नहीं, एलसीडीएम ठीक है। इस तरह से आप लर्न कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन मैं देता हूं, नाउ टेक अप क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रोमन नंबर। रोमन नंबर में लिखना है जैसे 36 है 1 का 5th, सॉल्यूशन 1 का 5th 36। कैसे लिखेंगे 36? 36 में देखिए पहले हम क्या लेंगे, 30 और उसके बाद 6 ठीक है, 30 प्लस 6 आप ऐसे लिखिए इसको, 30 प्लस 6 इसको ऐसे लिखिए। 30 का 10, एक 10 का होता है दिस वन, देन 10, 20, 30 ये हो गया 30, और 6 का क्या होगा 5 और देन 1, ये आपका हो गया 36 ठीक है। स्टूडेंट्स आप एक ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम राइट साइड में जब लिखते हैं किसी भी नंबर के, जब राइट साइड में लिखते हैं तो वो ऐड होता है ठीक है, और जब लेफ्ट साइड लिखते हैं तो, अब जैसे यही मान लीजिए ये है, तो यहां पे देखिए एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया ठीक है। दोनों का मीनिंग समझिए, 5 है ये ठीक है, तो 5 के राइट साइड हमने 1 लिखा है, 5 के राइट साइड जब 1 लिखते हैं तो हमने क्या बताया ऐड हो जाता है, तो मतलब 5 में 1 ऐड हो गया 6 हो गया, ये हो गया 6 क्लियर है। एंड आफ्टर दैट हमने कहा कि 5 के जब लेफ्ट साइड हम लिखते हैं तो माइनस हो जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे 5, और 5 से लेफ्ट साइड में 1 है तो 1 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, ये 4 हो गया ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि राइट साइड में ऐड होता है और जब लेफ्ट साइड 1 लिख देते हैं तो माइनस हो जाता है ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि 5 के राइट साइड जब हम लिखते हैं नंबर कोई भी तो ऐड हो जाता है ठीक है, और 5 के लेफ्ट साइड नंबर लिखते हैं तो माइनस हो जाता है, इसलिए यहां से 5 के लेफ्ट साइड 1 है तो 5 में से 1 माइनस हो गया तो 4 हो गया ठीक है। तो इस तरह से आप एडिट करिए। अब इसमें देखिए जैसे कि 99 है, 73 ले लीजिए दिस वन, 73 कैसे लिखना है आपको, 73 यहां देखिए 50 ठीक है ना, 50 लेंगे उसके बाद 50 प्लस 20 70 होगा प्लस 3, 50 प्लस 20 प्लस 3 इस तरह से हम लिखेंगे। 50 का क्या होता है L, 50 का हो गया L, 20 का 10, 20 ठीक है, और 3 का दिस दिस, ये आपका आंसर हो गया ठीक है 73 हो गया। नाउ अब देखिए जैसे कोई नंबर लेते हैं सेकंड का, ये आप लीजिए 611 164, सॉल्यूशन सेकंड का फर्स्ट ले लीजिए 164 स्टूडेंट देखिए कैसे लिखेंगे 164 में क्या है, पहले देखिए यहां पे 100 ठीक है, उसके बाद 64 है, तो पहले हम इसका कंफिगरेशन कर लेंगे, पहले क्या है 100 है उसके बाद 64 है, 64 में 50 प्लस 10 60 हो गया एंड प्लस 4 प्लस 4 100 प्लस 50 प्लस 10 60 हो जाएगा एंड 4 ठीक है। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आप कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। 100 का क्या होता है यहां देखिए, 100 का सी, 100 का हमने सी लिख दिया, 50 का एल,
50 का L, 10 का ये हो गया और 4 का ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप एक 611 है, 611 देखिए, 611 में कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, पहले क्या लेंगे, हमारे पास क्या है नंबर 500, तो 500 एंड प्लस 100 600 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पे कॉन्फ़िगरेशन करिए, पहले 500 उसके बाद प्लस 100 क्या हो गया, 500 प्लस 100 600 उसके बाद 11, ये आपका है कॉन्फ़िगरेशन। अब आप कर लीजिए आसानी से, 500 का D, ठीक है, 100 का C, 100 का C, 11 का 10 प्लस 1, तो 11 का 10 प्लस 1, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर एक थर्ड ले लूं सॉल्यूशन में, थर्ड में आपको मैं बता दूं, जैसे कि ये आपका XLV, ठीक है, XLV, देखिए यहाँ पे XLV नंबर, इसको हमको ये रोमन नंबर है, इसको हमको न्यूमेरल में चेंज करना है, कैसे होगा, X क्या होता है 10, L क्या होता है देखिए 50, ठीक है, एंड V 5 होता है, यहाँ देखिए। तो मैं आपको बताऊं, L 50 है और मैं बताया हूं कि जब लेफ्ट साइड में 10 रहेगा तो इसमें से 10 माइनस हो जाएगा, तो यहां ये L मींस 50 में से 10 माइनस हो गया, क्या हो गया 40, ठीक है ना, 40 एंड ये क्या है V 5, ठीक है ना, 5 कितना हो गया 45। एक क्वेश्चन आप और देख सकते हैं, CD X1V, देखिए यहां पे CD X1V, C means 100, C means 100 है, D means आपका 500 है, ठीक है, और X means 10 और ये क्या है 4, ठीक है। तो आप देखिए, मैं बता रहा हूं कि जो लार्ज नंबर है ये 500, इसके लेफ्ट साइड में जो लिखा है 100 लेफ्ट साइड में है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 500 में से 100 गया 400, ठीक है, 400 और ये क्या है 10 एंड 4, ठीक है, 10 एंड 4 14, 414, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, D का मीन्स 500 और ये लेफ्ट साइड में 100 है, तो 500 में से 100 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया 400 और ये क्या है 10 एंड प्लस 4, 10 प्लस 4 14, तो 414 आंसर हो गया। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स अपने कॉपी में करते रहिए। सो टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।